हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एग्जांपल नंबर सिक्स हम डिस्कशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट के वीडियो में एग्जांपल फाइव तक आपको बता चुकी हूँ। ये क्लास इलेवन का है, चैप्टर नंबर थ्री जनरल, एग्जांपल नंबर सिक्स, पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको मैं दो पार्ट में कर रही हूँ क्योंकि जो ट्रांजिशन है थोड़े से लेंदी है, इसलिए हम पार्ट वन और पार्ट टू में करेंगे। आज पार्ट वन में आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ 73 पे क्वेश्चन सिक्स या इलस्ट्रेशन सिक्स दिया है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजवाड़िया ट्रेडिंग कंपनी। आपको 2019 है और मैं फर्स्ट पहला ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैंने बना लिया है फॉर्मेट। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल बनता है और सॉल्यूशन करते समय हम यहाँ पे जिसकी भी बुक में एंट्री कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आ जाता है, इन द बुक्स ऑफ राजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी, इस तरीके से। और जो फॉर्मेट बनेगा बहुत सिंपल बनेगा, डेट का पर्टिकुलर्स एलिफ नंबर, डेबिट अमाउंट रुपीज में, क्रेडिट अमाउंट रुपीज में, ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है। तो चलिए ट्रांजेक्शन फर्स्ट हम पहले करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपने यहाँ ईयर लिख रहे हैं 2019 में फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जिससे भी हम बिजनेस में जो जो लगा रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा कैश अकाउंट, डेबिट, डेबिट में अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीस। दूसरा है बैंक बैलेंस अकाउंट, डेबिट 2 लाख रुपीस। तीसरा है बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट 2 लाख रुपीस। यहां पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम अपने बिजनेस में जो जो वैल्यू लगाते हैं, जो जो मटेरियल लगाते हैं, यानी कि एसेट्स के फॉर्म में लगाते हैं, मशीन्स के रूप में या कैश के फॉर्म में लगाते हैं, वो सारी चीजें डेबिट होती है क्योंकि आपके बिजनेस में वो आ रही है। ये गोल्डन रूल कहता है, जब आपके बिजनेस में जो भी चीज आती है या लगाई जाती है इसको ऑलवेज डेबिटेड किया जाता है। और टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट टोटल हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लग रही है, 5 लाख की। सिंपल सा हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो आ जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे हैं, सेकेंड एंट्री बोल रहे हैं 3 मई के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 50,000 एट 18% जीएसटी। इन्होंने कुछ गुड्स परचेज करे हैं राम से और उस पर जीएसटी लगाई है 18% की। तो सबसे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा मई 3, डेट के कॉलम में डेट डल जाएगी। हमने परचेज कर रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए क्वेश्चन में यदि परचेज कर रहे हैं और जीएसटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो जीएसटी का जब हम एंट्री करेंगे तो उसको हम लिखेंगे इनपुट। यहां पे आ जाएगा इनपुट, मैंने आपको पहले भी बताया इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये इनपुट क्यों लिख रही हूं मैं जीएसटी, और ये क्या है, देखो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और एस जीएसटी का है स्टेट गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया है कि यदि हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं तो हमको वहां पे इनपुट लगाना है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे इस कंडीशन में, इस ट्रांजेक्शन में यदि हम सेल करते हैं तो हम आउटपुट लगाते हैं। मैं आपको आगे भी और बताऊंगी टू राम्स अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स किससे परचेस कर रहे हैं,
राम से कर रहे हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट एग्जाम में देना देना जरूरी है, देना भी चाहिए वर्किंग नोट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मई लिखेंगे यहाँ पे थ्री। ठीक है, हमने क्या किया है, परचेस किया है, परचेस कितने का वैल्यू किया हमने 50,000 का। ठीक है, इस पे जो हमको क्वेश्चन पे दिया है जीएसटी दी है 18% की दी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 18% का हाफ कर देंगे, यानी कि 9% इधर, 9 2 18 होता है ना जस्ट हाफ, तो 9% इधर। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे सी जीएसटी 50,000 इंटू 9/100, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, ये दो जीरो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख देते हैं, अब 9 5 45। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा एस जी एस टी सेम 50,000 इंटू 9/100, ये जीरो से जीरो कट गए, सेम आंसर आ जाएगा। ये और ये, इन तीनों का हम टोटल कर देते हैं पहले, तो 4 4 5 5 10 9 और 5। ठीक है, अब देखिए हमारा जो हमने परचेस किया है वो कितने का किया है, 50,000 का। ठीक है, हमने कितने का परचेस किया है, 50,000 के गुड्स परचेस करें, हम उसमें जो जीएसटी और सीएसटी दे रहे हैं वो कितने का आ गया, 4500 का। जो मैंने टोटल किया था ना 59,000, वो इधर आ जाएगा, यानी कि हमने जो गुड्स परचेस किए थे वो 50,000 के खरीदे थे परचेस किए थे, लेकिन उस पर जीएसटी लगा 18% का, तो हमारी जो परचेस की जो प्राइस जो पेमेंट है हमको बढ़ के कितना पेमेंट करना है, 59,000 का आया, यानी कि चीज तो थी 50,000 की लेकिन जीएसटी लगने के बाद वो हो गई 59,000 की। क्लियर हुआ? अच्छा, एग्जाम में बच्चा अधिकतर गलती ये कर देते हैं कि वो 50,000 का 18% निकाल के उस वैल्यू को लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। जो आपका परसेंटेज दिया है उसका हाफ करना है, और उस हाफ करके ही अमाउंट को यहाँ पे लिखना है। या तो दूसरा है तरीका है, आप 50,000 का मल्टीप्लाई 18 कर देते, यानी कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, या तो आप 50,000 का 18% यहाँ पे निकाल देते, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट आता उसका आप हाफ करके दोनों जगह लिख देते, तो वही हाफ वही आएगा 4500। क्लियर हुआ? तो चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पहले नरेशन लिख लेते हैं, बींग गुड्स परचेस फ्रॉम राम एंड विथ कितना था 18% जीएसटी के साथ, है ना। ठीक है, अगला ट्रांजिशन दे रहे हैं यहाँ पे 5 तारीख के लिए सोल्ड गुड्स। अगला ट्रांजिशन दिया है 5th के लिए, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ ₹70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, राकेश को सोल्ड कर रहे हैं, वो भी किस फॉर्म में कर रहे हैं, कैश फॉर्म में, जब और हमको क्या दिया हुआ है, 18% जीएसटी दी हुई है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश में, तो हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, लेकिन साथ में जीएसटी भी दी है, तो हम उसको जीएसटी को भी एंट्री करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, ये आ जाएगा आपका मई 5 के लिए आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो कैश में ही कर रहे हैं, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये हमारी हो गई एंट्री। अब हम इसका निकालेंगे कैलकुलेशन, वर्किंग नोट हम इसमें यहाँ पे करते हैं। तो वर्किंग नोट करने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे कौन सी तारीख का है, मई 5 का है, कितने का लिया है राकेश, कितने के गुड्स सोल्ड किए हैं 70,000 के, इस पे जो जीएसटी है कितना परसेंट दिया है, 18% दिया है, तो 18% का जस्ट हाफ
हम इसको करेंगे 9% और 9%। आ गया यहाँ पे क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, 70,000 × 9%, सॉरी 10, दो जीरो से दो जीरो कट गए आपके, ठीक है। और आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो जीरो और 7 9 7 9 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, सॉरी 7 9 7 63, ये आपका आज कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने ये निकाल लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का निकाला और स्टेट गवर्नमेंट का निकाला, सेम प्रोसेस है, 70,000 का 9%, तो क्या आ जाएगा 6300, यानी कि हमने जो गुड सोल्ड किए थे वो 70,000 के किए थे, लेकिन जीएसटी लगने के बाद अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इन तीनों का टोटल करके। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे टू सेल, हमने कितने की सेल करी थी, 70,000 की, ये देखिए हमने निकाला ना 70,000 की, आउटपुट जीएसटी कितना आया 6300, इधर जाएगा 6300, दोनों जगह एक ही सेम अमाउंट जाएगा। इन दोनों का, इन तीनों का टोटल, यानी कि हमने जो सेल है 70,000 की थी और उस पर जीएसटी लगने के बाद कितने का पेमेंट होना है, मिलना है 82,600 का। आया समझ में, बहुत आसान है जीएसटी सीएसटी निकालना। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड सोल्ड फ्रॉम सॉरी टू राकेश फॉर कैश, फिर लिख भी सकते हैं, एंड विथ 18% जीएसटी। नरेशन लिखना कंपल्सरी होता है। अगला है दिया हुआ, अगला ट्रांजिशन दिया हुआ है 7 तारीख के लिए पेड फॉर रिपेयर्स, हम क्या कर रहे हैं रिपेयर्स के लिए पे कर रहे हैं, तो कैश में करेंगे तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, मई 7 के लिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है 5,000, 5,000 डेबिट में भी चले जाएंगे और 5,000 हमारे क्रेडिट में भी चले जाएंगे। नरेशन आ जाएगा बीइंग रिपेयर अमाउंट पेड, सिंपल सा ही लिखना है। अगला ट्रांजिशन दिया हुआ है 10 तारीख के लिए, देखिए 10 में क्या है लिखा हुआ है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एंड 12% जीएसटी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ ऑर्डर प्लेस किया है ना, जैसे कि हाँ किसी के यहाँ पार्टी थी रणवीर के यहाँ, तो उसने सिर्फ एक प्लेस ऑर्डर किया है कि यार ऐसा सा करा जाएगा, लेकिन अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं बताया कि हाँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ गुड्स परचेस करें या सेल आउट किए जो भी। ऐसी कंडीशन में जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो उस एंट्री की रिकॉर्डिंग बुक में नहीं होती है, इसलिए हम जो ये 10 मई का जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन ही जो ये दिया हुआ है प्लेस एंड ऑर्डर, इसकी हम एंट्री जनरल बुक में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला दिया हुआ है 15 के लिए पेड फॉर वेजेस ₹15,000, हमने वेजेस का पे किया अमाउंट में ही, कैश में पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, यहां आ जाएगा मैं 15 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जाएगा 15,000, इधर जाएगा 15,000, सिंपल सा नरेशन बनेगा बीइंग वेजेस अमाउंट पेड या वेजेस पेड, आप वो भी लिखेंगे चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। तो आज हम ये पार्ट वन यही समाप्त कर रहे हैं, आगे की जो एंट्री है, जो भी ट्रांजेक्शन बचे हैं,
18 से लेके 31 तक हम पार्ट टू में मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद फाइनल टोटल करना भी आपको बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाती रहूंगी जिसमें मैं पूरी एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कशन करूंगी, प्रैक्टिकल भी करेंगे हम और थ्योरिकल भी पोर्शन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, इसके सॉरी पार्ट टू के साथ। थैंक यू।